नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा चतुर्थी विषय गणित प्रश्नावली 4। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न क्रमांक 11 का ख देवनागरी लिपि के अंकों में घटाव कीजिए। पहला प्रश्न है, यहां देवनागरी लिपि में अंक दिए गए और इसकी हमको बाकी करनी है। यहां चिन्ह दिया हुआ है माइनस का, किसी भी संख्या के आगे या बीच में माइनस का चिन्ह दिया हुआ होता है तो हम उसमें बाकी करेंगे, और प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो हम उसमें जोड़ करेंगे। तो यहां माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो बाकी करेंगे। बाकी करने पर हमको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, तो बाकी में ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है तो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाना है, और इकाई अंक से बाकी हम शुरू करेंगे। तो इसमें इकाई अंक दे रखा है 7 और नीचे संख्या दे रखी है 3, तो 7 में से 3 चले गए, पीछे रह गए 4, तो ये उतारा 4। फिर दाहिने अंक, तो 6 में से 4 चले गए तो 6 में से 4 जाने पर पीछे बचता है 2, ये उतारा 2, यानी 6 और 7 हो गए 67। 67 में से 43 को घटाया तो पीछे रह गए 24। तो इनको भी जो घटाने पर जो अंक आता है वो भी हमको देवनागरी अंक में ही लिखना है, क्योंकि हम देवनागरी लिपि से कर रहे हैं। दूसरे में दे रखा है इकाई अंक 8, 8 में से 8 चले गए तो पीछे रह गया 0, और 5 में से 2 चले गए, पीछे रह गया 3। इस तरीके से 5 और 8 58 में से 28 को हमने घटाया तो संख्या मिली हमको 30। उसी तरह तीसरे में दे रखा है 8 और 4 84, 6 और 0 60, तो 84 में से 60 को घटाना है तो 4 में से 0 गया तो पीछे 4 का 4 रहा। 8 में से 6 चले गए, 8 में से 6 जाने पर पीछे बचते हैं 2, तो ये उतारा 2। इस तरीके से संख्या प्राप्त होगी हमको 24। यहां संख्या दे रखी है 8 2 7 5 3 7, तो 7 में से 7 गया, पीछे रह गया 0। 2 में से 3 जाते नहीं है क्योंकि ऊपर वाली संख्या छोटी है, तो यहां से 2 में से 3 नहीं जाएंगे तो पास वाली संख्या से हम हासिल लेंगे, तो हमको हासिल की 1 मिली, तो 1 मिलने पर हमको इसमें 10 मिल गया, 10 और 2 यहां हो गए 12। हासिल जब हम 10 या 10 से अधिक होने पर लगाते हैं तो 10 संख्या कम करते हैं, उसी तरह वापस देते हैं तो 10 हमको वापस मिला, तो 10 और 2 हो गए 12, 12 में से 3 चले गए, पीछे रह गया 9, ये उतारा 9। अब यहां संख्या 8 है लेकिन 1 देने से 7 बच गए, 7 में से 5 चले गए, पीछे रह गया 2। इस तरीके से ये संख्या हमको घटाने पर प्राप्त हुई है। ये जो हमने बाकी की है या सही है या गलत है इसमें भी उत्तर की जांच करते हैं, तो बाकी में उत्तर की जांच करने के लिए नीचे जो संख्या दे रखी है वो और जो हमारा उत्तर आया है इन दोनों को आपस में जोड़ना है। जोड़ करने पर हमको ऊपर वाली संख्या वापस मिलनी चाहिए, तो जो हमने बाकी की है वो हमारी बाकी सही होगी। तो इनकी भी हम जोड़ करके देखेंगे, 7 और 0 को जोड़ा तो 7, 3 और 9 को जोड़ा तो 12, 12 का 2 हासिल की लग गई है, 5 और 2 7 और 1 8। इस तरीके से हमको ये संख्या और ये संख्या पुनः वापस प्राप्त हो गई, तो हमने जो बाकी की है ये हमारी बाकी सही है। तो बाकी करने पर हमको दो बातों का ध्यान रखना है, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाना है तो ऊपर वाली संख्या बाकी में बड़ी होनी चाहिए, और किसी भी संख्या के आगे पहले चिन्ह देखना है, अगर प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो जोड़ करनी है और माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो हम उसमें बाकी करेंगे। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 4 का प्रश्न 11 का ख इस अभ्यास में हमने पूरा किया है। धन्यवाद।